वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक, ड्रामेटिक ग्रीन स्मोकी लुक। बेसिकली ये लुक मैंने हरियाली तीज के लिए क्रिएट किया है। लाइक यार फेस्टिव सीजन है, तो आप किसी भी फेस्टिवल में ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टा का लिंक अवेलेबल कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक डेली अपडेट्स के लिए और सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर सकते हैं। तो गो एंड चेकआउट अगर आपको ये लुक अच्छा लगा और आपको करना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा इंट्रो हो रहा है, तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको मेकअप करने से पहले आपको फेस वॉश करना है, तो उसके लिए मैंने गुड वाइब्स का ऑरेंज ब्लॉसम ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज़ किया था। देन मैं ये न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग विटामिन ई लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लोशन है। लाइक जैसे कि आपकी ड्राई स्किन हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और एक बहुत अच्छा बेस देता है आपके मेकअप को और सारी ड्राइनेस हटा देता है आपके स्किन से। अब मैं फेस सीरम यूज़ करूँगी। लाइक ये गुड वाइब्स का रोज़िप फेस सीरम है और ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है, बट मैं बहुत कम प्रीफर करती हूँ फेस सीरम यूज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी सा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में फेस सीरम लिया है। अब हम प्राइमर यूज़ करूँगे, तो उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ। ये ऑयल फ्री मैटिफाइंग बेस देता है आपके मेकअप को। लाइक प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे जितने भी पोर्स होते हैं फिल इन हो जाते हैं सारे पोर्स, और एक बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस सा बेस मिलता है आपके फाउंडेशन को। अगर आप प्राइमर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उसमें फाउंडेशन फिल इन हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता और केकी सा लगता है आपका मेकअप। सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेबलिन का कंसीलर है, फिट मी इन द शेड ऑफ 20 सेंट शेड में है ये, और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लाइक ब्लेंड करूँगी और बहुत ही स्मूथली डैप करूँगी अपने आईज़ के ऊपर, क्योंकि ये आईज़ का पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जितना ज़्यादा आप इसे मतलब अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से कलर्स भी मतलब लाइक ब्राइट कलर्स भी आपको शो होंगे। बहुत ही अच्छा सा लुक देगा ये। मैं फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑफ 120 लाइट आइवरी में। ये लाइक सेट करने के लिए अपने कंसीलर को और अच्छे से सेट करेंगे, तो मैं उसके लिए ब्रश यूज़ कर रही हूँ, डीप एंगल्ड कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कफ्स एंड लैशेस के ब्रशेस हैं और इसका ब्रश नंबर है F011, और ये बहुत ही अच्छा लाइक इतना अच्छा ब्रश है, एंगल्ड शेप में है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपके अंडर आइज पे भी अप्लाई कर सकते हो आप इस ब्रश की हेल्प से। तो मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरा कंसीलर सेट हो जाए और अच्छे से ब्लेंड करना है, जिससे कि कोई भी ना रहे, फाइन लाइंस ना रहे। अब मैं ये ब्यूटी ग्लेज्ड का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें से पैरेट ग्रीन शेड ली है, क्योंकि ये मेरा आउटफिट पे सूट कर रहा है इसलिए। और मैंने कफ्स एंड लैशेस का ब्रश लिया है, ये ब्लेंडिंग ब्रश है और E005 इस ब्रश का नंबर है, और मैंने बिल्कुल अपने आउटर वी पे ये प्लेस किया है हल्का सा कलर। देन मैं इसे ब्लेंड आउट करूँगी फ्रॉम आउटर वी टू इनर वी। बात याद रखना, जब भी आप अपना कलर लेते हैं ब्रश पे तो उससे लाइक डैप जरूर करें, जिससे कि सारा जो मतलब एक्स्ट्रा कलर होता है तो वो फॉल डाउन हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा जो उसमें रहता है मतलब कलर बचता है, तो उसी से ही आप करें। अगर आप इसे लाइक डैप नहीं करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा कलर होगा वो लाइक फॉल डाउन हो जाएगा आपके फेस पे, और बहुत ही स्मूथली आपको ब्लेंड करना है, हार्ड हैंडेड बिल्कुल नहीं करना है, और जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करोगे उतना ही ज़्यादा कलर का टेक्सचर अच्छा आएगा। मैं ये डार्क ग्रीन शेड लूँगी और मैं इसे अपनी आउटर वी पे प्लेस करूँगी और धीरे धीरे स्लोली मैं इसे ब्लेंड आउट करूँगी फ्रॉम आउटर वी टू इनर वी। लाइक एक ट्रांजिशन शेड देगा लाइक लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में, तो एक ट्रांजिशन शेड दे देगा। और ये कफ्स एंड लैशेज़ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ
और इस ब्रश का नंबर है E007। और बहुत ही स्मूथली आपको ये भी ब्लेंड आउट करना है, लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया, जितना ज़्यादा आप टाइम ब्लेंडिंग पे देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका आई मेकअप होगा। अगर आप बिगनर हैं तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे लाइक आपका हाथ भी सेट हो जाएगा ब्रशेस पे। लाइक क्या होता है ना, जैसे हम बिगनर होते हैं तो हमें मतलब पकड़ना ही नहीं आता है कि ब्रश पकड़ना कैसे है, इसकी भी एक पोजीशन होती है। और ये तो यार कहावत भी है लाइक प्रैक्टिस मेक्स मैंस परफेक्ट, तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप इसे ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा ही होगा। और मैं भी लाइक सीख ही रही हूँ कुछ, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ इस फील्ड में, और मतलब जैसे मैं कुछ सीखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार दूसरे भी कुछ सीखे और मेरे थ्रू किसी को कुछ आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने कुछ नया सीखा है तो मैं उसे लाइक स्प्रेड आउट करूँ। अब ज्ञान ज़्यादा हो रहा है तो काम की बात करते हैं। तो मैंने अब ये फ्लैट ब्रश लिया है, स्मॉल फ्लैट ब्रश है ये, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि कट क्रीज सा लुक करूँ थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने एक कंसीलर लिया है अपना, मेबलिन का ही कंसीलर लिया है जो पहले यूज़ किया था। तो मैंने सिर्फ ये कंसीलर अपने सेंटर पर लगाया है, सेंटर पर अपने आई के, लाइक जहाँ पर हमारी आई बोल होती है उसी पर ये इसके ऊपर मैं प्लेस करूँ ये शिमरी शेड ग्रीन की, देन मैं के ऊपर स्पार्कल प्रेस करूँगी। अगर आप कंसीलर नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करो, बट क्या होता है ना कि जब आप शिमरी शेड यूज़ करते हो तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है और बहुत ज़्यादा डल डल सा लगता है। लाइक जैसे आप चाहते हैं ना कि हम वीडियो कोई देखते हैं कि यार हमारा भी ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कंसीलर यूज़ ही करना पड़ेगा। लाइक थोड़ा सा स्पार्कलिंग सा लुक आता है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, ये कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको करना ही है, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इसके लिए ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, देन उसके पास में बाद में ये ग्लिटरी स्पार्कल शेड ग्रीन की प्लेस करूँगी अपने सेंटर आईबॉल्स के ऊपर। मैंने स्पार्कल यूज़ करने के लिए ये लाइक बिग ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करा था, और ये वैसे तो स्मॉल शेडर ब्रश है, कफ्स एंड लैशेस का ब्रश है ये, इसका नंबर है E003। और ये लाइक अगर आपको हाथ से प्लेस करना है लाइक अपने फिंगर्स के हेल्प से तो आप कर सकते हैं, बट मैंने ये ब्रश की हेल्प से प्लेस किया है। फिर से मैं वही जो मैंने डार्क ग्रीन शेड लिया था दोबारा से मैं उसी से थोड़ा सा ब्लेंड आउट करूँगी, लाइक मिक्सिंग करूँगी थोड़ा सा ना, लाइक अलग अलग सा लग रहा था तो मैं इसे थोड़ा सा और मिक्सिंग करूँगी कलर्स की इस स्पार्कल शेड के साथ, तो थोड़ा सा इवन लगेगा और नहीं लगेगा कि अलग अलग सा है, फाइन लाइन्स थोड़ी सी छिप जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। अब मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी, उसके लिए मैं ये मिनी पैलेट यूज़ कर रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्राउ किट, इसमें से मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। फर्स्टली मैं क्या करूँगी, पहले अपने कॉम करूँगी आईब्रोज को ये स्पूली की हेल्प से। लाइक ये स्मज आउट करूँगी डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर्स को। मैं अब ग्रीन लाइनर प्लस काजल यूज़ कर रही हूँ, लाइक ये मेरी वैनिटी में बहुत दिन से पड़ी थी तो मुझे दिखी और आज ये यूज़ में आ गई है, तो मैं इसे अपनी वाटर लाइन पे यूज़ करूँगी और एज अ लाइनर यूज़ करूँगी, देन मैं इसे स्मज आउट करूँगी।
अब मैं अपना फेस मेकअप स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए मैं ये मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, फिट मी इन द शेड ऑफ 115, ये मेरा शेड है। और मैं इसे लाइक फिंगर्स की हेल्प से स्प्रेड आउट करूँगी। अगर आप फिंगर्स की हेल्प से स्प्रेड करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाता है, और आफ्टर लाइक आप ब्यूटी ब्लेंडर से अगर ब्लेंड करते हैं तो बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है। इतना ज़्यादा आपको लाइक टाइम नहीं देना पड़ता है, और आपको डैप करके हमेशा ब्लेंड करना होता है। और याद रखना, 2-4 सेकेंड के लिए, लाइक फॉर टू सेकेंड इसे थोड़ा सा वेट कर लेना है, पानी में भिगो देना है। मैं अपना फाउंडेशन सेट करूँगी, तो उसके लिए मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये ब्रश है कफ्स एंड लैशेस का, ये मल्टीटास्किंग ब्रश है। इसके हेल्प से मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूँगी। लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर हम इसलिए अप्लाई करते हैं फाउंडेशन के बाद, जिससे कि लाइक सारा फाउंडेशन सेट हो जाए और केकी बिल्कुल ना लगे। अब मैं फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी, तो कॉन्टोरिंग करने के लिए मैं ये शिवाना कलर्स का 3-in-1 पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें कॉन्टोरिंग भी है, हाइलाइटिंग भी है, और ब्लशर भी है। कॉन्टोरिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं लाइक आफ्टर फाउंडेशन हमारे फेस को ना थोड़ा सा शेप नहीं मिलती है, तो कॉन्टोरिंग से हमारे फेस को शेप मिल जाती है, लाइक फाइन फीचर्स हो जाते हैं हमारे फेस के। मैं अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करूँगी, तो उसके लिए मैं ये सिल्वर शेड ले रही हूँ, प्लस मिक्स गोल्ड शेड, दोनों मिक्स करके अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करूँगी। पेंसिल काइंड ऑफ ब्रश है, तो इससे बहुत ही अच्छे से आपके ब्राउ बोन्स हाईलाइट हो जाएंगी। अपने चिक्स बोन्स को थोड़ा सा स्माइल करके उसके ऊपर अप्लाई करूँगी ब्लश, और आपके ब्लश यूज़ करते हुए आपके जो ब्रश की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड्स ही होनी चाहिए, डाउनवर्ड्स होगी तो लाइक ब्लेंड आउट नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा आपका ब्लश। और लाइक आपको ना थोड़ा डैप कर लेना चाहिए ब्रश को, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा फॉल डाउन हो जाता है। मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का हाइलाइटर है, इन द शेड ऑफ मोल्टन 100 गोल्ड में, और मैं ये अप्लाई करूँगी अपने लाइक चिक्स पे, जो हाई पॉइंट्स होते हैं ना हमारे फेस के, उन पे, लाइक नोज टिप पे, क्विपिट्स पे, फोरहेड पे, चिन्स पे, और बहुत ही अच्छे से आपको लाइक बहुत ज़्यादा ग्लोइंग सा लुक देता है आपको हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद। तो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स को शेप दूंगी। मैं म्यू मैट की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और फिर मैं NYB की लिपस्टिक यूज़ करूँगी इन द शेड ऑफ मिरांडाज फर्स्ट किस। और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा लाइक पिगमेंटेड भी है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी है इसका, पूरा लुक चेंज कर देती है लिपस्टिक मतलब अप्लाई करने के बाद। सो सॉरी गाइस, मैं मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी, तो मैं ये शिवाना कलर्स का वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और लाइक मस्कारा अप्लाई करने से ना आपकी आईलैशेस थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाईलाइट होती हैं आपकी आईलैशेस, तो मस्कारा क्या होता है ना, थोड़ा अपलिफ्ट कर देता है आपके आईलैशेस को। और फिर मैं नायका की ये फॉल्स आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ, लाइक मैं ये ऑफ कैमरा यूज़ करूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरे से अप्लाई नहीं होती है ये। अब मैं अपनी ईयरिंग्स वेयर कर रही हूँ, ये ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स हैं। देन उसके बाद में मैं अपना मेकअप सेट करूँगी, तो उसके लिए मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर स्प्रे है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मेरा लुक पसंद आया होगा आपको। तो अगर आपको मेरा लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना कि आपको मेरा लुक कैसा लगा है। सो Bye-bye and stay tuned for the another videos. Thank you everyone.